हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अलग तरह का डिजाइन है और बहुत सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने ब्लैक और पिंक का रखा है, आपको जो पसंद आए वो कलर रख सकते हैं। इसकी तोरण पट्टी भी हमने अलग तरीके से बनाई है, बिल्कुल आसान सा डिजाइन है, देखने में बहुत अच्छा है और अलग तरह का डिजाइन है। तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए शुरू करेंगे तोरण पट्टी से। पहले तोरण पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम ये झालर बताएंगे, ये हमने किस तरह से बना के तैयार की है। तोरण पट्टी से स्टार्टिंग करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 10 चेन लेनी है। दस चेन की तोरण पट्टी बनाएंगे। दो तीन दस, दो चेन छोड़ देंगे, 8 डबल क्रोशिया बनेंगे 10 चेन पर। तो ये देखिए, 8 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड में डिजाइन शुरू करेंगे। दो डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में, फिर चेन, लास्ट के लिए 2 डबल क्रोशिया, बीच में 4 बचे, बीच में डाल लेंगे जो 4 बचे इनके बीच में। और यहाँ पर मैं 2 पफ बनाने वाली, 1 3 और 4 टाइम पफ बना रही हूँ, मैं ज़्यादा हैवी नहीं बना रही। अगर हैवी रखना है तो और डाल सकते हैं इसमें, 5 टाइम, 1 चेन और 1 पफ और बना लूँगी। फोर टाइम, इस तरह से 2 पफ बन गए, 1 चेन और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया। तो ये वाला डिजाइन मैंने तोरण पट्टी में बनाया है। तोरण पट्टी आप चौड़ी और भी बना सकते हैं, और चेन लेके जितनी चौड़ी रखनी है बना सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा चौड़ाई नहीं ली इसकी। तीन चेन टर्न कर लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए स्टार्टिंग और लास्ट में, आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं। एक चेन लेनी है बीच में, और फिर जो ये बीच में जगह है इसमें डालना है कंटिन्यू, इसी तरह हमें बीच वाली जगह पे डाल लेना है। 2 3 और ये 4, ये हम 4 टाइम ही बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और एक और बना लेंगे यहीं पर। तो ये वाला डिजाइन मैंने डाला है, बाकी आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। हमने तोरण पट्टी के लिए डिजाइन डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं वीडियो अलग अलग डिजाइन की तोरण पट्टी की। एक चेन और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया, बाद में हम फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। जिस भी कलर कॉम्बिनेशन बिठाना चाहें आप, उस हिसाब से फिनिशिंग कर लेनी है। एक चेन बीच में, एक चेन बीच में, फिर एक पफ,
तो ये देखिए ये वाला डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे और फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने तोड़ पट्टी बना के तैयार करी है और ब्लैक कलर से मैंने इसकी फिनिशिंग करी है। हाफ ये सिंगल क्रोशिया में दो सिंगल क्रोशिया एक जगह पर और बीच में दो चेन और एक राउंड तोड़ पट्टी का छोड़ना है। बाकी फिनिशिंग भी आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। बाद में मैंने ये वाला डिजाइन डाला है, ये मैंने नीचे की साइड तो डाल लिया, ऊपर की साइड मैं आपको बना डाल के दिखाती हूँ। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इस किनारे से या इस किनारे से या कैसे भी। ये मैंने साइड में मैंने डबल क्रोशिया ही बनाया है एक राउंड। ये देखिए साइड में तो मैंने ये वाला ही बनाया है सिंपल। और तीन चेन लेके और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे फिर, ये मीडियम साइज का पफ बनाएंगे, बहुत लॉन्ग भी नहीं और छोटा भी नहीं। पाँच, ये मैंने 5 टाइम लिया है, थोड़ा सा हैवी बनाया है बीच वाले से। और इसको मैं इतनी दूरी पे बांधना है कि ये खिंचे नहीं और ख़राब नहीं लगे, तोड़ पट्टी इकट्ठी नहीं हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ बांध देंगे। एक चेन फिर एक पफ बनाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में बंद नहीं खींचे नहीं तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला डिजाइन मैंने डाला है तोड़ पट्टी की दोनों साइड में। ये देखिए ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं ऐसे भी रख सकते हैं ये वाली फिनिशिंग के बाद। तो पूरी लाइन बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोड़ पट्टी हमारी तैयार है ब्लैक और पिंक कलर में। ये मैंने साइडों में डिजाइन लगा लिया है। अब मैं नेक्स्ट जो तोरण के लिए डिजाइन लगाने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे, 5 चेन लेनी है स्टार्टिंग में। डबल क्रोशिया का धागा और फर्स्ट वाली चेन, इस तरह से ले लेना है। फिर डबल क्रोशिया का धागा और सेम चेन, पांच बार निकालूंगी। पांच बार निकालने के बाद ये दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे इसके, दो
दो लास्ट में तीन बचे, तो तीन या दो जितने बचते हैं निकाल लेने हैं। ये दो रहने चाहिए। निकाल लिए, टर्न करेंगे। सेम चेन में 5 बार और निकालेंगे। दो दो करके ही निकालेंगे। लास्ट में दो बचे हैं, ये भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की शेप आएगी। नेक्स्ट बनाएंगे, वापिस से पांच चेन ले लेंगे, पांच काउंट करके। एक तो ये हो गई, दो तीन चार पाँच, डबल क्रोशे का धागा। और जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें डाल लेना, जो पहले ही डाली है हमने। फाइव टाइम, दो तीन चार पाँच, फिर दो दो करके निकालने। दो बचे लास्ट में। टर्न करने के लिए केवल हमें निकाल के क्रोशिया फिर घूमना है, बस धागा हमारा इधर ही रहेगा। और सेम चेन में फिर 5 बार डाल लेंगे। फिर चेन लेंगे पांच, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको जितनी लेंथ में जो भी लेस बनाओ या लटकन बनाओ या जो भी बनाओ बना सकते हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है ये, देखिए।
जिस भी कलर में बनाना चाहें बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और देखने में ये डिज़ाइन इतना अच्छा लगेगा, आप इसको फ्रॉक के बॉर्डर पे लगा सकते हो, चुन्नी की जो बाउंड्री होती है उस पर लगा सकते हो, चुन्नी के लेस के रूप में, या आप जहाँ भी लगाना चाहें इसे लगा सकते हैं, लटकन बना सकते हैं, झालर वगैरह लगा सकते हैं, तोरण वगैरह वगैरह पे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाते जाएंगे, जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बना लिया, ये मैंने कई पार्ट बनाए। मैं तोरण की झालर बनाने वाली हूँ इससे, तो इसके लिए मैंने ये देखिए, जो भी आप बनाना चाहें इसका यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान डिजाइन है, देखने में बहुत सुंदर लगेगा जब ये लगेगा झालर पे या लेस वगैरह के रूप में या बेल्ट के रूप में, बच्चों के कार्डिगन वगैरह पे। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये तोरण के हिसाब से बना ली है, और ये पोम पोम बॉल ब्लैक कलर की बना के इस पर लगा ली है, सभी पे लगा लेनी है। पोम पोम बॉल बनाना आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ढेर सारे वीडियो हमने अलग अलग तरह की पोम पोम बॉल के डाले हुए हैं। तो इस तरह से बांध लेना है। ये मैंने सेप इस तरह से डिज़ाइन बताया बनाया है कि ये सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, ये एक साइड का है और ये बीच में आ जाएगा दो वाला। उसके बाद हम सेम ऐसा ही दूसरी साइड में बना के तैयार करेंगे, और फिर इसे हम तोन पट्टी का जो एक एक पार्ट है इस पर सील लेना है, इतना हमें स्पेस स्किप करना है, और इस तरह से हमें यहाँ सील लेना है। ये देखिए, ये बनने के बाद ये हमने 10 वाले से शुरू किया है, 10 बनाए हैं, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये वाला सील लेंगे इसे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बीच में तोड़ पट्टी का जो ये वाला पार्ट है इसमें सील लेंगे, यहाँ से शुरू करूँगी मैं, और उसके बाद इसको यहाँ पर सील लेंगे। बीच में आप चाहें तो मोती भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन कलर का या वाइट कलर का, जैसा भी आप करना चाहें। इस तरह से धागे को निकाल लेंगे, और ये देखिए ये अच्छे से सिल गया है। इसी तरह से हम बाकी भी सिल लेंगे, और बीच में हमारे दो वाला आएगा, दो हम बीच में सिल लेंगे, उसके बाद वापस से सेम डिजाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक साइड के तो मैंने सील लिए, ये देखिए अब हम दूसरी साइड की ओर सील लेंगे। इस साइड में ये हमारा बीच आ गया है, मतलब हाफ हमने सील लिया है, पूरा हाफ और बचा है। तो सेम ऐसे ही हम कंटिन्यू सील के तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप बीच में अगर अलग अलग तरह के मोती लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या सेम एक कलर के मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बाकी का एक पार्ट और सील के तैयार कर लूँगी। ये देखिए,